मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक्मी घाट दरभंगा। लांचल में दांत मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे आधुनिक तरीके। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा के मध्य विद्यालय मरतौल बाजार परिसर में महात्मा बुद्ध की जयंती मनी धूमधाम से। बुद्ध ने दिखाई मानवीय संवेदना की राह, बुद्ध और गीता का राह है गहरा संबंध। भरद्वाज कॉलेज को डिग्री के पढ़ाई की अनुमति के बाद अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार कॉलेज पहुंचे। ससुर ने बहू के साथ किया दुष्कर्म, मामला हुआ दर्ज। लहरियासराय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 41 के पोखरे के पास मिली लाश, पुलिस कर रही है तहकीकात। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने कहा बरसात से पूर्व सभी नालों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया जाए। नशे की हालत में चार लोगों को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा लाकर किया गया बंद। मनीगाछी में एक ही परिवार के जमीन विवाद में भिड़े दोनों तरफ से एक दर्जन घायल। दरभंगा डीएमसीएच के गैनिक विभाग के आउटडोर में आज मरीजों की संख्या अधिक, एक ही काउंटर रहने से मरीज हुए परेशान। बिहार में रह रहे मेडिकल के छात्र मिले संजय सरावगी से, कहा भारत में ही उनका नामांकन हो। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज मोहल्ले के कचहरी पोखर के निकट मिला 19 वर्षीय युवक के लाश, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पोस्टमार्टम हेतु डीएमसीएच भेज दिया। मृतक की पहचान सोनकी निवासी रंजीत लाल देव के पुत्र अमित कुमार के रूप में की गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। गांव में ही भूमि विवाद का मामला चल रहा है और इसी परिवार में पूर्व में एक हत्या पहले भी हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात्रि में मित्रों के साथ दोस्तों के यहाँ खाना खाया, उसके बाद सोनकी दरभंगा से लहरियासराय मृतक अमित कुमार कैसे पहुंचा यह जांच का विषय है। पुलिस इस मामले की गहन छानबीन कर रही है। भाई है चचा, भाई चचा का लड़का है। मैं 11 बजे तक लमसम था सोनकी में, लड़का सब साथ खाना खाया है और उसके बाद उस लोग लड़का सब साथ कहाँ निकला सब पता नहीं चला। हम लोग का फोटो के द्वारा पता चला है, उसके बाद फोन के पता लगाए, लड़का सबसे पता लगाए तब पता चला है। शंका ये लग रहा है कि जो लड़का साथ में था वो, और नहीं तो हम लोग सच्ची जो पार्टी है इससे पहले भी एक मर्डर कर चुका है, लगता है वो सभी करवा सकता है। लड़का के साथ है बिट्टू और राजा नाम का लड़का था। किसी से हुआ तो हमने पता, देखने के बाद में पता चला, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। दुश्मनी चलता है दरभंगा एवं आसपास जिले के कई यूक्रेन में मेडिकल कर रहे छात्र छात्राओं ने दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पीएमओ को पत्र भेजकर यूके ने छात्र छात्राओं को भारत में ही मेडिकल कॉलेज में नामांकन की बात की है, उसी के तर्ज पर बिहार सरकार भी पीएमओ ऑफिस में अनुशंसा करे। इसी को लेकर के नगर विधायक संजय सरावगी से मिलकर आवेदन देते हुए मांग की। वहीं छात्रों को संजय सरावगी ने आश्वासन देते हुए कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर पत्र को पीएमओ ऑफिस प्रेषित करेंगे। यूक्रेन में जो दरभंगा के बच्चे पढ़ रहे थे मेडिकल इंजीनियरिंग में, वो लोग अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत इन लोगों को यूक्रेन से लिफ्ट किया, पूरी सरकार लगी और पूरे देश में और दूसरे देश के भी बच्चे को लगा कि नहीं भारत सरकार कुछ कर रही है अपने बच्चों के लिए। ये लोग अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं और कुछ राज्य सरकारों ने जैसा कि मैंने बताया ब्रिज कोर्स वगैरह चालू किया। अभी ये लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं क्योंकि मेडिकल में तो ऑनलाइन के साथ प्रैक्टिकल मस्ट है, प्रैक्टिकल के बिना तो डॉक्टर, इसलिए लोग भविष्य के प्रति चिंतित हैं। लोग मिले जिला पदाधिकारी से भी मिले हैं, इनका एक एसोसिएशन भी बनाया है पूरे देश स्तर पर, इनका कैसे सेटलमेंट हो उसी के लिए भी मुझसे मिलने आए हैं। हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे कि भाई अगर और राज्य सरकारों ने कुछ किया है जैसा कि लोग बताए हैं वो हमारी राज्य सरकार भी करे और देश की सरकार भी इन बच्चों को जो इतने मेहनत से बहुत सारे देश की सरकारों ने नहीं किया लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, इनका भविष्य कैसे सुरक्षित रह सके इसके लिए देश की सरकार को चिंता करनी चाहिए और करेगी।
बिहार में पिछले कई सालों से लगातार शराबबंदी है और अगर आप ऐसे में नशीला पदार्थ का सेवन कर या शराब पीकर अगर आप नशे की हालत में पकड़े गए तो आपको हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते, कहीं ना कहीं शराब पीने वाले लोग पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाते हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को भी मिला। अलग अलग जगहों के 4 लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर बंद कर दिया गया, जहां से सोमवार को आगे की कार्रवाई चल रही थी। नशे की हालत में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि 2 लोग दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले और 2 लोग बहेड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए गए। साइकिल लेके आ रहा था तो देखे भीड़ तो तारी भी होता लगाया थे, मैं बोला चलो चलिए, उसमें पकड़ा गया था। तारी का नशा जन ज्यादा था, 40 की कितने दिन आ गया था। दरभंगा नगर निगम के नव नियुक्त नगर आयुक्त कुमार गौरव के द्वारा नगर निगम सभागार में सफाई कर्मियों पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और यह निर्णय लिया गया कि 15 जून तक सभी नालों की सफाई करा ली जाएगी ताकि बरसात आने पर शहर में जलजमाव की समस्या उत्पन्न न हो, जिसको लेकर उन्होंने कई जगह निरीक्षण भी किया और कई बड़े नाले का निरीक्षण कर युद्ध स्तर पर सफाई भी करवाई। वहीं निरीक्षण के क्रम में मेयर मुन्नी देवी भी मौजूद थी। जाम एवं बंद नालों की सफाई का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसमें वार्ड संख्या 29, 30, 21, 25 एवं 33, 37 वार्ड में सफाई का कार्य पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिसमें अधिकांश नालों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं वार्ड नंबर 33 के पार्षद पूर्व एवं वर्तमान पार्षद पति फुजैल अहमद के निर्देश पर वार्ड के कई मोहल्ले के नालों की सफाई का काम सफाई कर्मियों के सहयोग से की जा रही है। वहीं सोमवार को वार्ड नंबर 33 के बीवी पाकड़ स्थित मुख्य सड़क से लेकर रहमगंज धोबी गली सड़क तक के नालों की सफाई का काम शुरू किया गया है। 3 सफाई कर्मियों के सहयोग से वार्ड 33 के नालों की सफाई की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। सपोर्ट मिलता हम लोग और भी बेटर कर सकते थे। कहीं भी पानी लग रहा है जिसके कारण भी नगर निगम ही दोषी है, क्योंकि हमारे वार्ड में हम लोग इतना कीचड़ निकल रहे हैं जो उठ नहीं रहा है समय पे, जो बार बार बारिश होने के कारण वापस चला जा रहा है। हम लोग देख नगर निगम का हमारा कोई पॉइंट यहाँ हमारे वार्ड में दिया नहीं, जिसके कारण हम लोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जो हम लोग यहाँ से अपना वार्ड का कचरा लेकर जिला स्कूल के पास फेंकना पड़ता है, जो 6 नाका के पास में है, समझ सकते हैं अभी कितना प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। कमतौल थाना क्षेत्र के एक गांव में ससुर ने अपनी बहू के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले को लेकर बहू ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित ससुर को गिरफ्तार कर लिया। वही महिला थाना अध्यक्ष नुसरत जहां ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में सालों कड़ी मेहनत व संघर्ष के बाद भरद्वाज कॉलेज को स्नातक में नामांकन आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी के लेने की अनुमति मिल गई है, जिस वजह से हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के लाखों छात्राओं को भविष्य बेहतर होने का एक रास्ता साफ हुआ है। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भरद्वाज कॉलेज, जिस हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर पूर्व में कई बार आंदोलन प्रदर्शन सहित प्रशासनिक कार्य के लेकर संघर्ष किए थे, लेकिन देर से ही संघर्ष का शानदार सफलता मिला। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भरद्वाज कॉलेज में स्नातक में नामांकन लेने का अनुमति बिहार सरकार के द्वारा मिला है। उक्त बातें आचार्य सुदर्शन फाउंडेशन के तत्वाधान में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में
शस्त्र चूड़ामणि विद्वान डॉक्टर मित्रनाथ झा ने अपने उद्बोधन में कही। आगे डॉक्टर झा ने महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों तथा श्रीमद् भागवत कथा के सर्वकालिक महत्व को रेखाकृत करते हुए बिहार के सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में बौद्ध अध्ययन केंद्र की स्थापना को आवश्यक बताया। ऑनलाइन संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए मानव सेवा समिति के संस्थापक प्रोफेसर जयशंकर झा ने बुद्ध पूर्णिमा को इसलिए ऐतिहासिक महत्व का बताया है कि विभिन्न कालखंडों में पूर्णिमा तिथि को ही गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं निर्वाण हुआ है। एकत्रित होने के बाद ये महसूस कर रहे हैं कि आज का दिन गौरवपूर्ण है और ये जयंती को हम लोग बहुत उत्साहपूर्वक मनाए और मना रहे हैं और ये अवसर हम लोग हमेशा इस चीज को जागृत करते रहे। ये महात्मा बुद्ध अपने आप में बहुत बड़ी एक जयंती के रूप में। मध्य विद्यालय मरतौल बाजार दरभंगा नगर के परिसर में महात्मा बुद्ध की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस पुनीत अवसर पर विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, शिक्षिका, रसोइया एवं छात्र छात्राएं इस मौके पर उपस्थित हुए। वहीं इस क्रम में महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय, उनके उपदेशों एवं विचारों से बच्चों को अवगत कराया गया। दरभंगा डीएमसीएच में मनीगाछी में जमीनी विवाद से जुड़े एक मामले में महिला और पुलिस आई, जिसे हल्की चोट लगी हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक मकान बनाने को लेकर के दो पक्ष जो आपस में दियादी हैं, दोनों के बीच मारपीट हुई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। यहाँ एक महिला और एक पुरुष को हल्का चोट लगा है। हालांकि इन लोगों ने थाने में मामला दर्ज नहीं कराया। सर भाई आ रही मिल रहे हैं और क्या चलते मकान के चलते शादी में मकान बनाया गया तो हिस्सा तो हमें बाप दादा वाला हमें भी कुछ है सर नहीं कुछ नहीं दे रहा है घर में जाता नहीं है बम्बई से दो दिन में है रात में जादव के घर में रुके तीन गांव के आदमी आया मारने के लिए तीन गांव के। दरभंगा डीएमसीएच के गायनिक विभाग में सोमवार होने की वजह से आज अधिक मरीजों की संख्या देखने को मिली। दुर्भाग्य से यहां पर मात्र एक काउंटर होने की वजह से ही महिला मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घंटों इंतजार के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद डॉक्टर इलाज कर पाए। तब तक 140 की संख्या में मरीज जमा हो चुकी थी। यहां पे आप सही तरीके से इलाज होता है, क्या क्या है यहां पर सर